गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम क्लास ट्वेल्थ पार्ट टू लेसन वन भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी भारत के संविधान की काफ़ी विशेषताओं का अध्ययन किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे देश के संविधान की अन्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। मूल रूप से अन्य संघीय प्रावधानों की तरह भारतीय संविधान में दो स्तरीय राज्य व्यवस्था, केंद्र व राज्य का प्रावधान था। जब हमारा संविधान बना और जब हमारे देश में हमारे संविधान को लागू किया गया, उस समय संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए हमारे देश में भी सरकार के दो ही स्तर थे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन में तीन स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया गया। अर्थात संविधान में हमारी जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है उसको स्थान दिया गया। इससे पहले हमारे देश में ग्राम पंचायतें और स्थानीय स्तर पर होती थी, लेकिन उनको संविधान में कोई स्थान नहीं था। लेकिन शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व व्यवस्थाओं को सरल करने के लिए हमारे देश में स्थानीय शासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन और अनुसूची 11वीं तथा 12वीं को जोड़कर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 73वां संविधान संशोधन तथा नगरीय स्थानीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया और हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था को शुरू किया। हमारे देश के जैसी त्रिस्तरीय केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जैसी व्यवस्था विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर 1992 के 73वीं संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार 74वें संशोधन विधेयक 1992 ने एक नए भाग तथा नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। हमारे राज्य में, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले शुभारंभ नागौर जिले में हुआ था और उसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह देश में स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन था, क्योंकि ये हमारे जो बापू थे महात्मा गांधी, उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए कदम हमारे देश की सरकार ने उठाया था। भारतीय संविधान की हमारी अगली विशेषता है वयस्क मताधिकार, जिससे कि हम सभी परिचित हैं। इसका अर्थ है भारत में जो कि भारत का नागरिक है और जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उसको मत देने का अधिकार होगा। हमारे जब शुरुआती जो समय था उस समय मत देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 1989 में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार हमारे देश का एक ऐसा प्रावधान है या ऐसी विशेषता है कि जब संविधान में, जब हमारा संविधान बन रहा था, तब ये एक ही ऐसा प्रावधान था जिसको कि हमारे देश के पक्ष और विपक्ष की सरकारों ने ध्वनि मत से पारित किया,
ध्वनिमत अर्थात सभी इस प्रावधान पर प्रथम बार ही एकमत हो गए, क्योंकि ये भारत में सभी को समानता देने का कार्य कर रहा था। हमारी अगली विशेषता है राष्ट्रपति देश की एकता का प्रतीक। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता का प्रतीक माना जाता है। यह वंशानुगत न होकर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं, सरकार के पदाधिकारी हैं, वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होंगे। विदेशों में राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी की जाती है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति व राज्य की प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी भी राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इसलिए हमारे देश का जो प्रथम नागरिक है अर्थात हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं। हमारी अगली जो विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा विश्व भ्रातृत्व का लक्ष्य। भारतीय सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप भारत का संविधान भी विश्व शांति व सह अस्तित्व के जीवन को दर्शाता है। हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता। हमारे भारत में कई जाति, रंग, धर्म, नस्ल के लोग रहते हैं, लेकिन इतनी संस्कृति और इतने धर्म के लोगों के होने के बावजूद भी हमारे देश में हम एकता को देख सकते हैं। इसी के लिए संविधान के अनुच्छेद 51 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। भारत न तो किसी की देश की सीमा या आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और न ही इसे बर्दाश्त करना चाहता है। इसी अंतर्राष्ट्रीय भावना के अनुरूप भारत ने पंचशील व असंलग्नता की नीति का अनुसरण किया। भारत की यह विशेषता रही है या हमारे भारत की विदेश नीति की भी यह विशेषता है कि भारत जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करेगा। भारत आगे चलकर कभी भी किसी के ऊपर युद्ध या आक्रमण नहीं करेगा। इसी को हम कह सकते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों को भी अपनाया है। उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में आदर्श और व्यवहार का समन्वय है। यह एक ऐसा आलेख है जिस पर प्रत्येक भारतवासी को गर्व है और होना चाहिए। इसी के साथ हमारे भारतीय संविधान की विशेषताओं का जो पाठ है वो पूरा होगा। हम जितने भी टॉपिक पढ़ चुके हैं आपको ये सारे टॉपिक अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और आज से ही हम अपना होमवर्क भी शुरू करेंगे। हमारे जो होमवर्क के प्रश्न हैं वो आज ये रहेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो है भारत के संविधान में संशोधन की कितनी विधियां हैं वो आपको लिखनी है। और हमारा दूसरा जो प्रश्न रहेगा वो है भारत के संविधान की कोई चार विशेषता लिखिए। आप कोई सी भी चार विशेषताओं को इसमें लिख सकते हैं और आपको जो ये होमवर्क है वो रोजाना अपनी कॉपी में लिखना है।